बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना और इंडिया के दरमियान एक बार फिर बॉर्डर पर लड़ाई देखी जा रही है। चाइनीज फौजियों ने अरुणाचल में घुसकर भारतीय फौजियों को लहूलुहान कर दिया। तकरीबन 2.5 साल बाद चाइना ने दोबारा अरुणाचल में हमला किया है और इंडियन फौजियों से अपना इलाका वापस लेने की कोशिश की है। इस वक्त इंडियन मीडिया पर खामोशी तारी हुई हुई है और इंडियन हुकूमत भी इस वक्त खामोश है। इस वक्त मोदी हुकूमत ने यह तस्दीक की है कि चाइना ने हमला किया है, मगर इस बात की तरदीद की है कि कोई फौजी इसमें जान भाग नहीं हुआ, मगर इंडिया के कई फौजी जहां भाग हुए हैं। इस वक्त चाइना भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो अपने इलाके इंडिया से वापस ले ले। 2.5 साल पहले भी चाइना ने इंडिया पर हमला कर अपने कुछ इलाके वापस ले लिए हैं, मगर इस बार इंडिया ने चाइना को भरपूर जवाब दिया है। इंडिया ने अफगानिस्तान में चाइनीज होटल पर हमला किया जिसमें कई चाइनीज हलाक हुए हैं। पूरी दुनिया को पता है कि दाइश के पीछे इंडिया काम करता है और ये दाइश ने हमला कबूल कर लिया है, इसमें कई चाइनीज हलाक हुए हैं। चाइना ने खामोश पॉलिसी के तहत तालिबान से ये मुतालबा किया है कि इस हमले की तहकीकात खुफिया रखी जाए, मगर चाइना ने यह अजम दोहराया है कि जो भी इसके पीछे है उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। इंडियन आर्मी इस वक्त खौफ और हरास का शिकार है। मोदी हुकूमत इस वक्त ये सोच रही है कि किसी भी तरह चाइना पर हमला कर के चाइना से वो इलाके वापस ले लें, मगर चाइना ने पहले ही जवाबी कार्रवाई करके इंडिया को हैरान कर दिया है। चाइना को दिल्ली में बने हुए प्लान का पता चल गया और उसने पहले ही हमला कर इंडिया को खौफजदा कर दिया है। अब देखना यह है कि इंडिया अपनी चाल कैसे कामयाब करता है। इंडिया पिछले कई साल से तैयारी कर रहा है कि वो चाइना से अपने इलाके वापस ले, मगर चाइना ने इंडिया की चाल उल्टी कर दी और पहले हमला कर इंडिया मजीद इलाके लेने की कोशिश शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि इंडियन मीडिया कब ये खबर ब्रेक करता है और कब ये न्यूज देता है कि उनके इंडिया और चाइना के दरमियान जो झड़प हुई है उसमें कितने इंडियन फौजी हलाक हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दें।